नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। तो आम का सीजन है, तो क्यों ना आम की अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई की जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आम की बर्फ़ी, यानी कि मैंगो बर्फ़ी। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? यह मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क, और इसे गैस पे चढ़ा दिया है ताकि ये इतने में अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तो उधर हमको क्या कुछ चाहिए फटाफट देखेंगे। और ये मैंने लिए 2 आम। आप किसी भी वैरायटी के मीठे आम, पके हुए रसीले मीठे, अगर पॉसिबल हो सके तो वो आम सेलेक्ट किए जिसमें रेशा ना हो, तो उससे बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये 2 आम लिए हैं, 120 ग्राम चीनी लिए हैं, बादाम, इलायची पाउडर, देसी घी, काजू, पिस्ता, थोड़े से इसमें थोड़े से बीज भी हैं खरबूजे के, और ये है कस्टर्ड पाउडर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो बर्फ़ी। तो ये इस आमों को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और इसका छिलका उतारेंगे। जो नहीं आए थे कल मार्केट में, पता नहीं क्या बता रहा था भाई, पात्रा पुत्रा आम का नाम होता है, देखते हैं कैसा पल्प निकलता है, कैसा टेस्ट है। तो इस बर्फ़ी में तो कोई भी आम मीठा रसीला पका हुआ अच्छी तरह, शुक्र है परमात्मा का कि अच्छा ही निकला है, देखने में तो टेस्टी लग रहा है कि मीठा होगा। तो इस प्रकार से मैं दोनों आमों को छील लूँगी और इसका पल्प अलग करके फिर तो ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि चीज़ एग्जैक्ट बने, अच्छी बने। तो मैं इसलिए तोल मिनकर ही बताती हूँ तकरीबन, कभी भी वैसे अंदाजे से कुछ नहीं बताती, ताकि चीज़ें अच्छी बने। दूध हमारा इधर पक रहा है, अगर जो भी दूध लेना है आप फुल फैट लें, अच्छा गाढ़ा दूध लें, चाहे गाय का लें चाहे भैंस का लें, दूध बढ़िया वाला ही लें, ताकि जो हमारा बर्फ़ी बने वो सॉफ्ट बने। तो आज मैं दूध से बनाना सिखाऊंगी बर्फ़ी। तो एक मैं इसे एक प्रकार और भी बना सकते हैं, जब हमें जल्दी हो कि दूध को गाढ़ा करने में, थिक करने में, काढ़ने में बोलते हैं हमारे पंजाब में, टाइम लगता है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम और तरह की बर्फ़ी बनाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी मिनटों सेकंडों में बर्फ़ी तैयार कर सके। तो आज तो हम दूध से ही बनाएंगे। तो पहले इसका पल्प उतारते हैं, फिर देखेंगे कि कितना है, चाहे तो आप कप से माप लेना, क्योंकि हमने तो इसके मिक्सी में ही चलाना है, बड़े बड़े स्लाइसिस भी ले सकते हैं। सारा पल्प उतार लेंगे। जो हमने पल्प उतारा है दोनों आमों का, तो वो पल्प 350 ग्राम निकला है। तो अब 1 लीटर में हम 350 ग्राम आम डाल रहे हैं। अगर आपको आम का ज़्यादा टेस्ट पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 400 ग्राम भी डाल सकती हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं, अगर कम पसंद है तो कम भी मिला सकती हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर मिक्सी में इसका पल्प तैयार कर लेंगे। हमने जो कंटेनर में डाला था उसका इस प्रकार से प्यूरे बना लिया है। उधर हमारा दूध जो रखा है उसको भी आपने बीच बीच में हिलाते रहना है, ताकि वो तले पे ना जमने पाए। और जो हमने कढ़ाई लेनी है, मोटे पैंदे वाली लेनी है, अगर आपने पीतल की कढ़ाई का प्रयोग करना है तो उसे कलीदार लीजिए, कभी भी बिना कलीदार बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये इधर हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। हाँ, एक बात और, इसमें जो हमने 120 ग्राम चीनी लाई है इसके साथ ही मिला देंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी बर्फ़ी होती है, मावा बनेगा, वो सॉफ्ट बनेगा, बहुत अच्छी बर्फ़ी बनेगी, साथ साथ ही जो चीनी है वो पकती जाएगी। इधर मैं दूसरी कढ़ाई में गैस को ऑन कर लूँगी और जो आम की प्यूरे बनाई है हमने उसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो, जो इसमें मॉइस्चर रहेगा प्यूरे में वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और हमारी बर्फ़ी है वो अच्छी बने। नहीं, वो बर्फ़ी है अच्छी तरह सेट नहीं होगी और वो टेस्टी भी नहीं बनती, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इधर हम अगर पका लेंगे तो इस प्रकार मैं सारा पल्प अच्छी तरह से निकाल कर इसे पकाऊँगी।
हमने पता है क्या करना है, जो प्यूरे रखी है गैस पे तो उसे हिलाते रहना है ताकि वो जलने ना पाए, पैंदे पे लगने ना पाए। इस प्रकार से मैं कढ़ाई को भी साथ साथ ही साफ करती जाती हूँ ताकि वो अगर जल के बाद में ज़्यादा थिक होगी तो उतार नहीं पाएंगे। मैंने तीखी टिप वाली जो कलछी ली है, दूसरी तरफ जो दूध रखा है उसे भी मैं लगातार पकाते जा रही हूँ। तो एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी, मेरे तो ख्याल नहीं रहा मेरा कि सुबह मैं बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ, तो जिस दिन आपने बर्फ़ी बनानी हो उससे एक रात पहले या कुछ घंटे पहले 10 कीरे जितनी मात्रा में मैं जो बना रही हूँ ना मटेरियल, उसमें आप 8 या 10 बादाम की गिरी रात को पानी में भिगो दें, फिर इसका छिलका उतार लें। तो उसे इस प्यूरी के साथ ही जब आम की प्यूरी बनाएंगे ना कंटेनर में डालकर पिसाई कर लें तो वो पेस्ट सा बीच में ही बन जाएगा, उससे बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है। काजू भी कर सकते हैं, परंतु काजू मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि आम भी गर्म रहता है, गर्मी के मौसम में ही आम आते हैं। तो जब हम काजू डालते हैं, काजू की तसीर गर्म होती है तो हमारी जो बर्फ़ी है थोड़ी गर्म तसीर की बनेगी। तो गर्मियों में गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। तो इस प्यूरी को मैं तब तक पकाऊंगी, उधर मैं बीच बीच में दूध भी हिला देती हूँ कि वो भी ना जलने पाए, तो इसे गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। जब इसका मॉइस्चर है जो पानी है वो बिल्कुल जल जाएगा तो मैं गैस का बर्नर बंद कर दूंगी, आप प्यूरे वाले गैस का बर्नर, तो हमारी वो जो पानी रहेगा आम में वो बिल्कुल मतलब के ख़त्म हो जाएगा और बर्फ़ी अच्छी बनेगी। बस मैं फिर इसे तैयार करके रख लूँगी, फिर दूध गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम मिलाएंगे। देखिए हमारी प्यूरी है वो मात्रा में भी रिड्यूस हो गया, कम हो गया, पहले जितनी मात्रा में रखी थी उससे काफ़ी कम हो गई है। दूसरी बात इसमें मॉइस्चर भी नहीं है, देखो कितनी थिक हो गई है। तो अब हमने गैस का बर्नर बंद कर दिया है, जितनी प्यूरी हमें चाहिए थी जिस प्रकार की उस प्रकार की रेडी हो गया। दूसरी तरफ जो हमारा दूध है वो भी देखिए कितना कम हो गया है, देखिए तो लगभग आधा ही रह गया है, आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ा एक दो मिनट और इसे पका लेते हैं। और इस दूध में से हमने क्या किया था कि एक कलछी दूध मैंने निकाल लिया था गाढ़े दूध में से ही ताकि ठंडा हो जाए। एक किस लिए निकाला जो मैं आपको बताऊँगी, ये मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर, तो मैं कस्टर्ड पाउडर इसमें 2 चम्मच ऐड करूंगी। अगर आप व्रत उपवास के लिए बना रहे हैं तो आप कस्टर्ड पाउडर को अवॉइड कर दीजिए। इससे एक तो बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनता है, मैं इसलिए मिला रही हूँ। दूसरा कि कलर अच्छा आएगा, फ्लेवर आएगा, और तीसरी बात हमारी बर्फ़ी है अच्छी तरह सेट हो जाती है, थिक हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं आम की आपको और भी बहुत तरह से बर्फियाँ बनानी सिखाऊंगी, आज हम इसी प्रकार से ही बनाएंगे। और इसे मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ ताकि इसकी कोई भी लम्स गुठली ना रह जाए, गिल्टी ना रह जाए। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह मिला लीजिए। और ठंडा दूध हमने इसलिए किया है, अगर हम गर्म दूध में ऐड करते हैं तो ये अच्छी तरह मिल नहीं पाता, ठंडा दूध में ही अच्छी तरह हो पाता है। तो उधर हमारा दूध है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने पी है, लगभग आधा दूध रह जाना चाहिए, तो तब हम इसमें प्यूरी ऐड करते हैं। जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा और कम कर लेते हैं, फिर इसमें प्यूरी मिला देंगे, मिला भी सकते हैं वो, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब भी हम लाते हैं। तो जे लीजिए प्यूरी ऐड कर देंगे इस स्टेज पर, हम जब दूध आधा रह जाता है जो कढ़ाई है उसमें भी मैं दूध ऐड कर लूँगी, उससे पता है क्या होगा, जो चिपका हुआ है ना साइड पे वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अच्छी तरह से निकाल पाएंगे हम, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए प्यूरे डालने के बाद ये इस प्रकार का हो गया है, और अब मैंने गैस का जो बर्नर है थोड़ा कम कर दिया है, आँच को कम कर दिया है, तो और इसे हमें अब लगातार फुलाना पड़ेगा और अपने फेस को थोड़ा बचाकर, क्योंकि अब इसके जो छींटे हैं वो गाढ़ा होने के कारण फुदकने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके फेस पर लग जाए। तो मैं इस प्रकार से लगातार इसे हिलाते हुए करूँगी,
तो आँच को कम कर दिया। जब ये अच्छी तरह ठीक हो जाएगा, इसकी पहचान ये रहती है कि ये जो छींटे पड़ रही हैं वो कम हो जाएंगे। तो अब तो इसे अच्छी प्रकार हमने ठीक ही करना है, जिस प्रकार से हम बर्फी के लिए चाहिए। इसे लगातार हलाते हुए मिलाऊंगी, और जब इसमें से पाँच तीन चार मिनट रह जाएंगे पकने में, तब मैं जो कस्टर्ड ला कर रखा है वो डाल दूंगी, क्योंकि कस्टर्ड तो बहुत जल्दी पक जाता है। बस उतारने से तीन चार मिनट में पहले रखूंगी कस्टर्ड को, इसमें डालूंगी, वो आपको दिखा भी दूंगी। अब तो बस अच्छी तरह मैं इस प्रकार से हिलाते हुए इसे पका रही हूँ। इतना थिक हो गया है मटेरियल, तो अब मैं इस स्टेज पे कस्टर्ड मिला दूंगी, और ये बड़ी जल्दी जल्दी थिक हो जाएगा। जो हमने दूध में घोल कर रखा था वो वाला कस्टर्ड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए, पहले हमारा जो मावा था, दूध वाला जो मटेरियल था, वो उछल कर बाहर की तरफ आ रहा था। अब ये शांत हो गया है, बिल्कुल भी उछल नहीं रहा है। तो इट मीन्स ये तैयार होने के बिल्कुल किनारे पर है। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे। इससे एक तो हमारी बर्फी का टेस्ट बढ़ जाएगा, एक टीस्पून, और ये रहा दो टीस्पून, पूरे भरे हुए जमे हुए घी के मैंने डाले हैं। तो इससे एक तो टेस्ट बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा कि टेक्सचर बढ़िया आएगा, तीसरी बात जब हम बना रहे हैं तो ये सेट भी बहुत बढ़िया होती है इससे बर्फी, और ये कढ़ाई को भी नहीं चिपकेगा। तो देसी घी से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने तो दो टीस्पून डाल दिए हैं, आप एक भी डाल सकती हैं। ये बर्फी बहुत ही पौष्टिक भी बनेगी, टेस्टी भी बनेगी। अब आपको क्या करना है कि ये हमारी बर्फी तैयार है या नहीं तैयार है, ये कैसे पता चलेगा सेट होने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी आँच को तो बिल्कुल ही हमने कम कर रखा है, तो मैं एक बार बंद कर देती हूँ। तो इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर मैं क्या करूँगी, बीच में हिलाती भी जाऊँगी, ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करके देखूँगी इसमें निकाल लिया, क्योंकि गर्म का तो हम छू नहीं पाएंगे। तो इधर मैं हिलाती भी जा रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, जा तो आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, नहीं बीच में हिलाते रहें, नहीं तो बीच में से जो बर्फी है हमारी जल जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं इसे हाथ में लेकर देखती हूँ, जो चिपक तो नहीं रहा, गोली सी बन रही है, जो चिपक रहा है, वैसे काफ़ी हद तक तो बन रही है, थोड़ा चिपक रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, एक दो मिनट, ये चिपकना नहीं चाहिए हाथों पे, जब हाथ में लेते हैं तो इसकी एक रोल सा बनना चाहिए। बिल्कुल मामूली सी ही कमी है, ज़्यादा कमी नहीं है। देखिए, हमारी जो बर्फी है उसने कढ़ाई को छोड़ना, जो तला है उसको देखो शुरू कर दिया है, और इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। तो अब जो सेट होने के लिए रेडी है, तो हम अब क्या करेंगे कि इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा होने देंगे कि ये मतलब कि हाथ से हम छू सकें। उधर हम अपनी तैयारी कर लेंगे इसे जमाने के लिए ट्रे की, ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। देखिए इतनी थिक हो गई है, और इसे मैं बीच बीच में हिलाती भी रहूँगी और दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर लो, ताकि जलने ना पाए। बीच में से कढ़ाई गर्म रहती है, या तो आप ऐसे फैला दीजिए। तो जो मैंने गोली वाला बताया था ना, वो अगर आपने वो देखना तो गर्म है, तो ऐसे करके देखना होता है कि वो राउंड से हो, ठंडा करके पता चलता है। तो अब तो ये गर्म है, मैं छू नहीं पा रही हूँ, तो आप ऐसे देख लेना कि रोल हो रही है अच्छी तरह, तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। इधर मैं अपनी ट्रे तैयार करती हूँ जमाने के लिए। हमारा मटेरियल जो रखा था हमने ठंडा होने के लिए, ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ इलायची पाउडर। तो ये हमने इलायची पाउडर लिया है, आप मटेरियल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मैंने ना बीच में से, मेरा कढ़ाई गर्म थी, थोड़ा लग गया, थोड़ा सा मामूली सा लगा मैंने बीच में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो साइडों में मैंने अच्छी तरह स्क्रैप कर लिया है। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं इधर ट्रे ग्रीस करने में लगी, कि आप कढ़ाई बीच में गर्म रहती है उसे हिलाते रहें। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे जो हमने ट्रे ग्रीस करके रखी है उसमें सेट करेंगे।
तो अब मैं सारा मटेरियल इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बड़ी आसानी से आ रहा है हमारा मटेरियल, बहुत अच्छी मतलब कि इसकी सकाई हुई है, अच्छी बनेगी बर्फ़ी हमारी। थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इसे जहाँ पे मैंने लगाया था घी उस तक ही मैं इसे सेट कर रही हूँ। आप मोटे पतले जिससे भी आपको पीस चाहिए हो और उसी प्रकार से आप इसके पीसों को सेट कर सकते हैं, ज़्यादा ऊंची लेयर भी लगा सकते हैं। ऐसे स्पैचुला की हेल्प से आप इसे स्मूथ कर दीजिए। मैं इस प्रकार से इसे अच्छी तरह फैला रही हूँ, स्मूथ करती जा रही हूँ, तो ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छी तरह सेट हो, अच्छी बने। तो अगर आपको जल्दी हो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, मैं तो बाहर ही सेट करूँगी इसे। तो इस हो सकता है कि इसे 3-4 घंटे लग जाएं सेट करने में। गर्मी में थोड़ा चीज़ लेट सेट होती है, सर्दी का सीज़न हो तो बर्फियाँ अच्छी तरह सेट हो जाती है। अब आप हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर कुछ भी लगा सकते हैं, नट्स वगैरह। मेरे पास ये पिस्ता है, इसकी मैं कतरन को लगाऊंगी इस पर। तो आप टूटी फ्रूटी भी लगा सकती हैं, क्योंकि मैंगो पे वो रेड और ग्रीन बहुत अच्छा कम्बिनेशन रहता है जब हम लगाते हैं। टूटी फ्रूटी भी बच्चों को अच्छी लगती हैं और टेस्टी भी रहती हैं। तो मैं इस पर पिस्ता और नट्स, बादाम, काजू, हाँ जो कलर है, अगर आपने मैंगो ज़्यादा डाला है और ज़्यादा पका हुआ है तो आपका कलर और तरह का बनेगा, तो ज़्यादा डार्क बनेगा। ये कलर मैंगो की वैरायटी पे डिपेंड करता है और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आपने कितनी ऐड की है। तो आप कलर के पीछे मत जाएं, सिर्फ टेस्ट और ये देखें कि आपका वो सेट हो गई है बर्फ़ी। और जो टिप्स मैंने बताई है के भी मतलब लगातार ही लाना होता है, प्यूरी को अच्छे तरह बनाना होता है, बस उन चीज़ों को ही आपने फॉलो करना है। बीच में हम थोड़े काजू भी लगा देंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया जो हमारी बर्फी है देखने में अच्छी लुक देती है, क्योंकि पीले पे वाइट वाइट वो बहुत ही अच्छा लगता है पीली बर्फी पे, मैंगो कलर पे सिल्वर वर्क। तो इसे भी मैं नट्स को भी स्पैचुला की हेल्प से सेट कर दूंगी। हमने इस पे बादाम की कतरन, खरबूजे के भी, काजू, पिस्ता सारे अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से सेट कर दिए हैं। अब मैं इसे 3-4 घंटे के लिए सेट होने दूंगी, फिर देखते हैं। अगर पहले भी हो सकता है, कई बार जल्दी भी सेट हो जाती है, परंतु मेरे को लगता नहीं है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको जल्दी हो, कहीं कहीं जिनके घरों में छोटे बच्चे रहते हैं उनको तो कोई चीज़ बनी हो तो भूख भी बहुत जल्दी लगती है, वो पूछते ही रहते हैं कि हो गया तैयार, बन गई, तो आप फ्रिज में रख के सेट कर लिए। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो देखिए हमारी लुक तो बहुत अच्छी बनी है बर्फ़ी की, फिर खाकर पता चलेगा कि कैसी बनी है। तो अब हम ऐसे सेट होने के लिए रख दूँगी। तो फिर हमारी जो बर्फ़ी है वो 3 घंटों में ही सेट हो गई है। तो अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हमने पीसीस को काटना है। जैसे भी आपको छोटे बड़े थोड़े पहले हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने, हाँ 4-4 पीसीस हो जाएंगे, कि उसी हिसाब से आप छोटे बड़े जैसे भी आपको पीसी चाहिए हो आप काट सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी छोटे बड़े पीसीज काटने हो तो बर्फी को काट लीजिए। तो मैंने तो इतने साइज के काट लिए हैं। ये बर्फी बहुत ही पौष्टिक भी होती है और टेस्टी भी रहती है। अगर इस पे चांदी का वर्क लगाया जाए तो बहुत ही, क्या बात कहने की, बहुत अच्छी लुक आती है और टेस्ट भी आता है। तो हम इनके पीसीज निकाल लेंगे। मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा अच्छी तरह इसकी कटिंग कर लें, फिर आसानी से निकल जाएगा। पहला पीस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है जब भी हम फर्स्ट पीस निकालते हैं।
के पीसीज निकाल रही हूँ। तो देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनती है, खाने में भी बेहद टेस्टी होती है। तो इसी प्रकार से मैं सभी पीसीज को निकाल कर दिखाती हूँ, मेरे को ऐसा ना कि टूट ना जाए जहाँ आपको दिखाना होता है यूट्यूब पे, नहीं तो फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग जब घर में खाने के लिए बनाते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती घर में। तो अगर एक पीस टूट भी जाता है तो फटाफट, अगर डर के काम करते हैं थोड़ा गड़बड़ रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो नहीं घर में तो फटाफट फटाफट निकाल लेती हैं, जब ऐसी कोई बात नहीं होती। हमने अपनी सभी बर्फी के पीसीस को काट कर एक ट्रे में सजा लिया है। तो देखिए हमारी मैंगो बर्फी कितनी बढ़िया लाजवाब बनी है। आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से बर्फी को ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि आपको मेरी बनाई हुई बर्फी कैसी लगी। तो एक जरूरी संदेश जो हमेशा मैं कहती हूँ कि लेडीज़ को तो पानी के बिना कुकिंग संभव ही नहीं है, पानी के बिना संभव ही नहीं है जीवन। तो पानी बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा इस मैसेज को याद रखिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।